10,250 में रजिस्ट्रेशन करने वालों को 5,00,000 का कर्ज देने वाली कंपनी फर्जी मामले में पुलिस के शिकंजे में आ गई है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के 21 लोगों को हिरासत में लिया था। विजन ऑफ लाइफ फाउंडेशन ने कल 5 मार्च को नंदूरी मार्ग स्थित महाकाली नगर में मेलावे का आयोजन करके लाभार्थी को इंडोनेशिया बैंक के 5,00,000 की चेक बांटी थी, लेकिन वो चेक कैश नहीं होने पर लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विजन ऑफ लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ फ्रॉड का मामला दर्ज करके कंपनी के 21 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करके 4,24,850 रुपए, 3 लैपटॉप और लोगों दिए जाने वाले 22 चेकबुक जब्त करके, जिसमें कंपनी के प्रबंधक प्रमोदनी राजेश आस्कर हिंगनघाट, विशाल दाभेकर नागपुर, विशाल डे के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सूत्रों से जानकारी पता चली कि पुलिस का एक दल कंपनी के मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार करने मुंबई के लिए रवाना हुआ है और नागपुर स्थित मनीष नगर की कंपनी के कार्यालय में भी जानकारी ली जा रही है। उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, पुलिस निरीक्षक सपन चौहान के मार्गदर्शन में मामले की जाँच उप निरीक्षक दीपेश ठाकरे, अभिषेक बागड़े पेंदूर कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनौरकर की रिपोर्ट।